यहाँ पे जो रैलियां लगातार हजारों की संख्या में रैली निकल रहा है, आदिवासी परंपरा तीर धनुष और ढोल नाचा के साथ में, ये इसीलिए आक्रोश रैली निकाला जा रहा है। लगातार केंद्र सरकार के द्वारा जो फिफ्थ शेड्यूल इलाका और पेशा कानून 1996 का उल्लंघन किया जा रहा है, जो कि फिफ्थ शेड्यूल इलाके में बिना ग्राम सभा का एक इंच जमीन भी वहाँ का मट्टी तक वहाँ का जंगल तक नहीं काटने का एक ग्राम सभा में पावर है और ग्राम सभा सर्वोपरि माना गया है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, समता जजमेंट भी है, जो कि वो सारे सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट पर काबू ना रखते हुए लगातार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी 20 तारीख को जो आदिवासियों को बेदखल करने का आदेश दिया गया था, उसका भी आक्रोश देख सकते हैं। जो जिस प्रकार से केंद्र सरकार द्वारा जो इनके अधिकारों को खत्म करने के विरोध में ये रैली आज केंद्र सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए जो आदिवासी निकल रहे हैं, और सर्व आदिवासी समाज दंतेवाड़ा के द्वारा जो कि प्रांति पूरा जो प्रांति के जो सर्व आदिवासी की बॉडी है वो सब आई हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिला एक ऐसा खनिज संपदा जिला है, आपको मैं बता दूं कि हाल ही में अडानी जो कंपनी है जहाँ पे NMDC काफी पिछले 60-70 वर्षों से यहाँ पे खनन कर रही है लोहास्क का, उसके बावजूद भी क्षेत्र का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, और उसके बावजूद भी नए माइंसों को लीज नवीनीकरण के लिए और लीज दिया जा रहा है। हाल ही में 13 नंबर जो प्रोजेक्ट है उसको अडानी को दिया गया है, ग्राम सभा कुछ भी नहीं हुआ उसके बावजूद भी उसमें प्रस्ताव पास किया गया है। अंदरूनी जिला प्रशासन और राज्य सरकार मिल करके 2014 में इसको लीज दिया गया है, उसका लगातार हम विरोध कर रहे हैं। और फिर उसके बाद साथ ही साथ एक आयरन और कंपनी है गुंजापाल में, उसको भी परजीत ग्राम सभा करके आरती स्पंज कंपनी जो रायपुर के उसको दिया गया है, ऐसे ही लगातार जिंदल कंपनी को दिया गया है 1100 एकड़, ऐसी कई एकड़ जमीन जो है 5वीं अनुसूची फिफ्थ शेड्यूल इलाके में बिना ग्राम सभा प्रस्ताव के लगातार शासन प्रशासन और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इनके अधिकारों को उल्लंघन कर रहा है, इनसे ना पूछ के इनकी जमीनों को खोदा जा रहा है और खोदने दिया जाने के लिए दिया जा रहा है। इसके विरोध में आप आक्रोश रैलियां लाया ले और देख सकते हैं, तीर धनुष बाला लेकर के ढोल नाचा के साथ में आज यहाँ पे रैलियां निकल रहे हैं। और आज माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, माननीय राज्यपाल महोदय जी और माननीय अनुसूचित जनजाति आयोग और सभी जितने भी संवैधानिक जो ढांचा है उसको ये लोग पारंपरिक तौर तरीके से बचेली तहसील दार को आज ज्ञापन देंगे। इसी के साथ मैं मंगल कुंजाम।